हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे ये बैग का डिज़ाइन जो कि बहुत ही प्यारा है। मैंने जब ये फ्रॉक बनाया तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट आए थे इस डिज़ाइन की वीडियो की, तो ये सेपरेट वीडियो है। अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड हाँ, इस फ्रॉक की वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये मैंने ऑर्गेंजा साड़ी से बनाई है, जरूर देखिएगा। तो चलिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्रॉप टॉप की कटिंग कर ली है, टॉप पार्ट की। उस पर मैं नेक बना रही हूँ। 2.5 इंच मैंने नेक की विथ ली है चौड़ाई, और लंबाई जितना आप लेना चाहते हो, यहाँ पे मैं 9.5 पे ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी लंबाई रखना चाहते हो उस पर आप निशान लगा लेना। और हाँ, इसके बाद डोरी को जहां से हम अटैच करेंगे, इसके लिए हमने 3 इंच पे निशान लगा लिया है। 3 इंच का एक बॉक्स बना के वहां पे हमने राउंड शेप दे देना है, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल नेक की तरह। और इसके नीचे 1/2 इंच छोड़ देते हैं जहां हमारी सिलाई आएगी। और नीचे हमने 3 इंच पे निशान लगाना होता है इसकी चौड़ाई के लिए। ज़्यादा चौड़ा नहीं दीजिएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा चौड़ाई लेने से यह हमारा थोड़ा सा ख़राब होने का डर होता है। इसको मिला लेंगे यहाँ पे, और इसको मिलाने के बाद हम कटिंग कर लेंगे। ट्रायंगल शेप आ चुका है नीचे से, पूरी कटिंग में जैसे कर रही हूँ आप देख लीजिएगा, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो आप कंटिन्यू ज़रूर बने रहिएगा, ये डिज़ाइन ज़रूर तैयार कीजिएगा। क्रॉप टॉप, ब्लाउज वगैरह हर चीज़ में ये जाएगी, फ्रॉक सूट, लहंगा वगैरह सभी में जाएगी। तो अब हम इसे मेन फैब्रिक पे भी इसको कट कर लेना है, प्लेस करके साड़ी पे कटिंग कर लेते हैं हम इसको। ऐसे आप फुल वीडियो जरूर देखिएगा फ्रॉक कैसे मैंने बनाया है ऑर्गेंजा साड़ी से, जो मैंने मीशो से मंगाई थी। और अभी हमने यहाँ पे इसे प्लेस कर लिया है, पिनअप करके सिलाई भी कर दी है। और अब हम इसको गला बनाने के लिए यहाँ पे फैब्रिक लेंगे। डबल लेयर है ये फैब्रिक, मैंने डबल फोल्ड रखा है। और ये देखिए, इधर से भी 2 इंच ज़्यादा है और इधर से भी 2 इंच ज़्यादा है, चारों साइड से हमारा 2-2 इंच ज़्यादा है। इस तरीके से गले के इर्द गिर्द 2-2 इंच ज़्यादा पे हमने ये देखिए कपड़ा कट कर लिया है। और अभी इस पर सिलाई करेंगे सीधे साइड रख के, और गला बना लेंगे। तो नॉर्मली जैसे हम गला बनाते हैं, जो भी शेप आपने कट करनी है उस शेप में कट कीजिए और गला बनाइए। आप हर शेप में ये डिज़ाइन बना सकते हो, बहुत ही प्यारा लुक आएगा। और यहाँ पे जहाँ कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे हम निशान लगाना, और 1-1 इंच नीचे निशान लगाते जाएंगे। तो एक साइड 6 निशान लग चुके हैं, दूसरे साइड भी 6 निशान 1-1 इंच की दूरी पर मैं लगा रही हूँ। और इसके बाद हमने क्या करना है, डोरियां लेनी है। मैंने 40 से 40-40 इंच की 2 डोरियां बना ली है। एक को मैंने तैयार किया है, दूसरे को मैं पलट के तैयार कर लूंगी, जो बाद में हमारी डोरी के काम आएगी। और फर्स्ट वाली डोरी को हम क्या करते हैं, 3-3 इंच का आप ऐसे मेजर कर लो कि कितने में आपकी डोरी बन जाएगी। या तो आप 3-3 इंच का जो होता है ना, कट कर लो छोटी छोटी स्ट्रिप। एंड इसके बाद हमें इसे जो भी हम निशान लगाए ना, उस निशान पर डालना होता है। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी ना, तो पक्का चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट लेंगे ऐसे स्टिचिंग के और स्टाइलिंग टिप्स के। तो ये देखिए, हम 1-1 इंच की दूरी पे यहाँ पे हम इसकी सिलाई कर रहे हैं, और इसी तरीके से अंदर दबा के जाना है, और डोरियों को यहाँ पे हमें इस तरीके से कन्वर्ट करते जाना है। तो चलिए, इसी तरीके से हम साड़ी की सिलाई कर लेते हैं, और देखिए बहुत ही प्यारा लुक आएगा। और इसे लगभग आप 1 इंच बाहर निकालते हुए सिलिएगा। ये देखिए, हमारी इस तरीके से सिलाई कंप्लीट होने वाली है। और लास्ट नीचे भी हमें एक डोरी लगा लेनी है छोटी सी, मतलब कि हमें लगभग इस साइड मेरी 6 डोरियां आई हैं, और आप लंबाई बढ़ाओगे तो आपकी 7-8 डोरियां आ जाएंगी। आप अपने अकॉर्डिंग करना, बट चौड़ाई मत बढ़ाना, ये बात थोड़ा सा ख्याल रखना। इधर हो गया, दूसरे साइड भी हम सेम कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने दोनों साइड कर लिया। अब डोरियां कैसे फंसानी है मैं वो आपको बताती हूँ। मैंने इसे फ्रॉक सूट में अटैच भी कर लिया था, इसके बाद मैंने डोरियां फंसाई है। तो ये देख लीजिए, हमें क्या करना है, डोरी को पहले तो दोनों सिरों से अच्छे तरीके से इक्वली निकाल लेना है, बिल्कुल ही बराबर कर लेना। आप यहाँ पे देखिए, इस तरीके से बिल्कुल ही इक्वली कर लो आप। और उसके बाद जो क्रिस क्रॉस वाला डिजाइन होता है वो आपने कर लेना, यानी इस साइड की डोरी को उस साइड के स्ट्रिप्ट में एंटर करना है, और उस साइड की जो भी डोरी है उसे इधर के स्ट्रिप्ट में एंटर करना है इस तरीके से। वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसी तरीके से हमें क्रिस क्रॉस करके हमें पूरे में डोरी को अटैच कर लेना होता है, ये देखिए इस तरीके से। और इसके बाद 2 राउंड शेप की आपने रोटियों की टाइप कट कर लेनी है, एक छोटी और बड़ी। उसको लेस से आप डेकोरेट कर लो चारों कॉर्नर से, बीच में हल्का सा कट लगा देना। उस कट से आपने सीधे साइड से डोरी इंसर्ट करनी है और इस पर सिलाई कर देनी। तो बस इतने से एफर्ट में हमारा डिजाइन बैग का तैयार हो गया। वीडियो पसंद आई होगी तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, और कमेंट करके बताइएगा ये डिजाइन आपको कैसा लगा।